हे गाइस, तो अभी हम आए हैं गोवा। गोवा आ चुकी हूँ मैंने। वहाँ मुंबई से चलते समय नहीं बताया था, सडनली रात को प्रोग्राम बना कि चलो गोवा जाके आते हैं। तो मेरे साथ है आरती और हमेशा की तरह। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और गोवा में करते हैं आप और हम इनके मस्ती मेरी आरती के साथ। जहाँ जहाँ मैं जाऊँगी वहाँ आपको बताने वाली हूँ। सो मिलते हैं गोवा टूर पर। सो अभी आ चुके हैं हम होटल, और होटल है ताज। कौन सा है ये अपना होटल? ताज अगवाड़ा। और इसकी प्रॉपर्टीज़ बहुत ही अच्छी है, जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हो। ताज तो ताज ही होता है। सो यहाँ पे वेलकम सॉन्ग है, वो अभी होगा, वो भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो अभी हम जा रहे हैं अपने रूम में, और ये मैं अपने रूम में जा रही हूँ। आरती नीचे उतर गई है, मैं भी उतर रही हूँ। बहुत अच्छी जगह मुझे ये लगती है यहाँ पर। वैसे अक्सर हम लोग आते हैं तो हॉलीवुड प्लानेट या यहाँ रुकते हैं। सो ये रही आरती, कैसा लग रहा है? यहाँ अंदर रूम बताती हूँ मैं आपको, ठीक है? ये मेरे साथ आते जाइए आप। की उनके पास है। हाँ, सो ये रहा रूम। मैं आपको ऐसे करके कैमरा बताती हूँ। माय रूम, दिस वन टीवी एंड मी। सो बहुत ही सुंदर मेरा रूम है ये। और यहाँ पूरा जो है सी टच में आता है, इसलिए ये वाली प्रॉपर्टीज़ बहुत ही अच्छी लगती है। गाइज, आप लोग जब भी आएँ तो ताज में ही रुके, मतलब ऐसा नहीं है, सब अपने अपने कंफर्टेबल के हिसाब से। बट जहाँ भी होटल हैं ये सी तो दिखता ही, बट ये कुछ ज़्यादा नज़दीक है। ये यहाँ का वॉशरूम है, ये रहा, ये यहाँ पे आप नहाने का है। सो ये रही मैं। और ये रूम के पीछे का एरिया है जो कि बहुत ही खूबसूरत है, और समुद्र का किनारा है जो कि मुझे बहुत पसंद है। लंबे लंबे पेड़ देख के लोगों को आइडिया हो ही जाता है कि आई थिंक गोवा होगा। बट हमारे यहाँ मुंबई में भी अगर हम कहीं साइड में कुछ विलेजेस में जाते हैं तो वहाँ पे भी लंबे लंबे नारियल के पेड़ तो ऑफकोर्स मिलते ही मिलते हैं। तो महाराष्ट्र की एक यही खासियत है कि यहाँ, मतलब गोवा जो है, लोग बहुत दूर दूर से आते हैं यहाँ पर घूमने के लिए, और मुझे बहुत पसंद आता है। कहीं पे भी, अभी मैं कर्जत गई थी, लोनावला गई थी, और रेनी सीजन में तो मैं अक्सर घूमती ही रहती हूँ क्योंकि यही मौका होता है, और एक न्यू ईयर पर। सो अभी फ़िलहाल मैं जाने वाली हूँ वहाँ, और वहाँ मिलेगी मुझे फ़िश खाने के लिए। वो फ़िश मैं बताती हूँ आपको, क्योंकि मैं नॉनवेज बहुत अच्छे से खाती हूँ। ये यहाँ का समुद्र का किनारा है, और ये यहाँ रेस्टोरेंट है। ये इतना अच्छा लग रहा है। सो गाइज, हम लोग गए थे पुल में, और अभी आए हैं पुल से बाहर। मैं वहाँ का तो नहीं दिखा पाई क्योंकि वहाँ मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं है। और अभी मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी, फिर शाम को मैं वापस से बाहर जाऊँगी, तब मैं आपसे मिलती हूँ। एक्चुअली में रात हो गई, लेकिन कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे। अभी हम लोग खाना वाना खा के बैठे हुए हैं, कहीं गए थे बाहर घूमने के लिए। और अभी पूरे दिन का आज ये वीडियो बनाया था मैंने, जो आपको दिखाया। बाहर गई थी तो वहाँ का भी लिया है, बताऊँगी, लेकिन कल सुबह का फिर मैं आपको बताने वाली हूँ कहाँ जाती हूँ। तब तक अभी सोती हूँ। गाइज, आज गोवा में है दूसरा दिन, और सुबह के बज रहे हैं 8:30। मौसम कल के जैसा नहीं, हमेशा की तरह गोवा का बहुत ही शानदार हो रहा है। और सुबह का तो माहौल जो है इतना अच्छा लगता है कि एक तो समुद्र का किनारा, ऊपर से उसके लहरों की साउंड, और ये हवा का साउंड, जो दोनों मिक्स होते हैं ना, वो एक बहुत ही ज़बरदस्त आपको फील कराते हैं। एक पॉजिटिव वाइब्स उसका एक अलग ही नज़र आता है। सो मैं आपको यहाँ का वेदर और वहाँ समुद्र का पानी दोनों दिखाती हूँ। हाँ, यहाँ का वेदर, और ये रहा समुद्र, जो कि आपको बहुत नज़दीकी से देखना पड़ेगा। ये रही इसकी लहरें, और ये यहाँ का पूरा व्यू है जहाँ मैं रुकी हुई हूँ। सो मिलती हूँ आपको ब्रेकफास्ट पर। जा रही हूँ अभी ब्रेकफास्ट करने। मेरे पीछे की आपको ये प्रॉपर्टीज दिख ही रही है होटल की। यहाँ से तो इतना सुंदर लग रहा है ना, इतना बढ़िया। ये समुद्र कितना नज़दीक है यहाँ से, ये देखो, ठीक है? ये है पूरा प्रॉपर्टी। यहाँ पे डिनर वगैरह, लंच वगैरह होता है। ये बफे का है जहाँ मैं जा रही हूँ। अरे, ये रहा मेरा ब्रेकफास्ट, जो कि मैं खाती हूँ फ्रूट, और मिल चुके हैं यहाँ पे ओट्स, थोड़ा सा नारियल,
सुबह के 11 और मैं निकल चुकी हूँ कहाँ घूमने के लिए आरती। हाँ। गोवा भ्रमण पे जा रहे हैं हम लोग, देखते हैं क्या क्या दिखाते हैं। रात का गोवा का है, हम लोग बाहर निकले हैं अभी थोड़ा घूमने के लिए। पहले हम होटल जाके पुल में थोड़ा सा मस्ती वस्ती करके अभी हमने सोचा चलो बाहर निकलते हैं। ये रही आरती जो कि चला रही है गाड़ी। यहाँ पर भी ये रहा गोवा का नज़ारा जो कि मैं आपको दिखाती हुई जा रही हूँ। एज यूजुअल हमेशा की तरह जा रही हूँ मैं अभी ब्रेकफास्ट पक करने। और गोवा में है आज थर्ड डे, सो फर्स्ट ऑफ ऑल गोवा की तरफ से एंड मेरी तरफ से वेरी गुड मॉर्निंग। हवा इतनी शानदार है, मौसम इतना शानदार है और बारिश मतलब कंटिन्यू रात में भी रही है। वैसे ही बारिश मतलब है ना गोवा में होती ही रहती है। तो मेरे साथ है आरती जो कि जा रही है आगे आगे भगकर, मैं जा रही हूँ धीरे धीरे पीछे पीछे क्योंकि मैं अभी थोड़ा दो चार दिन पहले अभी स्लिप हो गई थी यहीं पर ही, तो इसलिए मैं जा रही हूँ अभी मिलने मतलब आएंगे कुछ लोग थोड़ी देर में तो मिलूँगी, वो बताऊँगी नहीं, सो मिलती हूँ थोड़ी। हेलो गुड मॉर्निंग, और मैं आई हूँ इस समय ब्रेकफास्ट करने। ब्रेकफास्ट में हमेशा की तरह वही मसाला इडली एंड मेनू बड़ा लिया है जो कि मुझे बहुत पसंद है। मेरे पीछे बहुत ही एक सुंदर नज़ारा है, तो ये रहा मेरे नियर बाय समुद्र और ये पूरे कितना शानदार एकदम मस्त हो रहा है। चुका है ब्रेकफास्ट और मैं आ गई हूँ अभी पुल के नज़दीक क्योंकि ब्रेकफास्ट का एरिया ये मेरे पीछे का जो एरिया है वो है एंड ये वाला है। और ये रहा पुल, ये रहा समुद्र, पुल के जस्ट उस पार है समुद्र, तो बहुत ही मज़ा आ रहा है। मैं अभी जा रही हूँ अपने रूम में, रेडी होंगी और फिर मुझे जल्दी से निकलना है। आ गए हैं हम अपने रूम में, अब हम नहाएंगे धोएंगे। ये जा रही है आरती और ये रही मैं, और मैं अभी रेडी होने वाली हूँ, बाहर जाऊँगी। हो चुका है हमारा चेकआउट, अब मैं निकल रही हूँ मुंबई के लिए। हम मिलते हैं आपसे मुंबई। ये रहा मेरे पीछे का नज़ारा, ये गिटार जो कि बजाते हैं। हेलो एक बार बजाओ ना, सो स्वीट, वेरी नाइस। वेरी नाइस, हम लोग आए थे जब भी वेलकम हुआ था और अभी मैं जा रही थी तो इन्होंने मुझे सुनाया यहाँ पे गिटार बजा के। बहुत ही खूबसूरत धुन होती है ये। हम लोग निकल चुके हैं गोवा से, जा रहे हैं एयरपोर्ट, अभी हमारी फ्लाइट है, अब पहुँच जाएंगे मुंबई। सो गोवा का ये ट्रिप कैसा लगा आप लोगों को, आपको बताना जरूर है मुझे। रहा हमारा बच्चा सोने वाला ये एक ही कपड़ों में आई है, सो आप लोगों को जानकारी दे दूं कि ये उधर से भी इसी को पहन के आई थी और इधर से भी इसी को पहन के जा रही है क्योंकि इसको लगेज उठाने में जो थोड़ा सा भारी लगता है ना, तो इतने आलस कि एक ही कपड़ा आने जाने के लिए वो अपने माइंड में सेटअप करके आई थी कि मुझे यही कपड़े पहन के आना है, इधर से जाना है। तो देखो इनको हमेशा नींद आती है, ये नींद में ही रहती है, अभी भी सो रही है, फ्लाइट में भी सोएगी, घर पर भी सोएगी, और जब इसको काम होता है तब ये भगी भगी फिरती दौड़ती है, तो अभी टाइम मिलता है तो सो जाती है, रेस्ट कर लेती है। सो मिलते हैं हम आपको मुंबई इनके साथ। ये हम आए हैं गोवा एयरपोर्ट और बहुत 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 ज़्यादा भीड़ हो रही है यहाँ पे क्योंकि रेनी सीजन है ना, तो लोग ज़्यादा ही घूमने के लिए आते हैं यहाँ। बैठी हूँ अभी कुछ खाने के लिए, गई है आरती लेने अभी क्योंकि मुझे लग रही है भूख। पहुंच चुके हैं अभी मुंबई, इधर आरती, ये रही आरती। लैंडिंग हो चुका है, गोट मुंबई का सफर यही खत्म होता है, हम मिलते हैं आपको अपने घर के अंदर। ये आरती लगेज लेने के लिए आई है। आ गई हूँ अभी घर और इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पर एंड। गोवा का ब्लॉग हो गया है समाप्त
और इसी बात पे मैं आपसे करती हूँ बाय बाय। मेरे इस व्लॉग को एंजॉय कीजिए, देखें, आगे भी सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए तो देखते रहें देखते रहें। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।